बच्चों कैसे हो कि आज आपका हिंदी की क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा पांच का पाठ नंबर तीन, इसका हेडिंग क्या है, वचन, वो पढ़ेंगे। वचन क्या होता है इसके बारे में आप नॉर्मली जानते ही हो, जिससे हमें संख्या की पहचान होती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर, मतलब कोई भी चीज कितनी है, एक या अनेक है। तो जिन शब्दों से हमें चीज वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। पता है आपको वचन कितने होते हैं, दो, एक वचन और बहुवचन। जिन शब्दों से एक वस्तु का पता चले वो एक वचन, और जिससे बहुत सारी वस्तुओं का पता चले उसको बहुवचन कहते हैं। तो इसकी नॉर्मल डेफिनेशन आप लिखेंगे, जिस शब्द से संख्या के एक या अनेक होने का बोध होता है। क्या होता है, बोध होता है। जैसे अब हमको किसी वस्तु की क्वांटिटी देखनी है कि वो एक है या एक से ज्यादा है, तो हम जब उसका वाक्य प्रयोग करेंगे, उसके शब्द को लिखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वो एक है या बहुत सारी है। ठीक है, जैसे कि इसका उदाहरण लेते हैं हम। जैसे मैंने एक लिखा मेज, तो मेज क्या है, क्या कितनी मेज का पता चलता है, एक ही है। फिर इसका मैंने बना दिया मेजे, तो ये क्या हो गया, इसका बहुवचन हो गया। ठीक है, इसी तरह आगे समझेंगे। तो अब इसके वचन के प्रकार, वचन के प्रकार, वचन के कितने प्रकार है, वचन के दो प्रकार है। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। फर्स्ट तो है एक वचन और नंबर दो है बहुवचन। तो इसके नाम से ही हमें पता चलता है, एक वचन मतलब जिसमें एक ही वस्तु का बोध होता है, जो बताती है कि ये वस्तु एक ही है, उसे हम एक वचन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जिस संज्ञा शब्द से शब्द के जिस रूप से या जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या अनेक एक ही होने का बोध होता है। तो जिसमें हमें पता चले कि ये एक ही वस्तु है वो कहलाती है एक वचन। एक वस्तु का बोध हो वो क्या कहलाती है अपने को, एक वचन। जैसे मैंने लिखा गाय, उदाहरण के तौर पर गाय मतलब गाय, वह गाय सफेद है, वह गाय खड़ी है, वह गाय घास खा रही है, तो यह गाय एक ही के लिए यूज हुआ है। फिर और उदाहरण देखते हैं, पुस्तक, मेज पर पुस्तक पड़ी है, पुस्तक भी एक ही बता रही है। फिर अगला है लड़का, तो लड़का का मतलब एक ही लड़का है, तो गाय, पुस्तक, लड़का, ये शब्द हम बता रहे हैं कि ये चीज या ये वस्तु एक ही है। इसमें और भी बहुत सारे उदाहरण आते हैं। अब एक वचन में क्या होता है, जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या वस्तु के एक ही होने का बोध होता है, वो एक वचन कहलाता है। अब बहुवचन किसे कहते हैं, बहुवचन में जस्ट इसका ज्यादा चीजें बताएंगे। तो उसकी यही डिफिनेशन, बस यही चेंज करना, यहाँ पे एक की जगह अनेक लिखना है, वो की वो है, कुछ भी अलग नहीं है। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो, इसमें था एक ही होने का बोध हो, इसमें है एक से अधिक होने का बोध होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, बहुवचन। क्या कहते हैं अपन उसको, बहुवचन। अब अपन यही उदाहरण लेंगे ताकि इसको अपन और अच्छे से समझ सके। जैसे
गाय का क्या बन गया, गाय। वहां बहुत सारी गाय खड़ी हैं। ये मैंने इसका आपको वाक्य बना के बताया है। फिर पुस्तक का क्या बनेगा, पुस्तक के। क पे एक ही मात्रा आ जाएगी, मतलब बहुत सारी पुस्तकें। पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। लड़का का क्या बनेगा, लड़के। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, लड़के मैच खेल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमने एक वचन शब्दों का ही बहुवचन बना के बताया ताकि इसको समझने में आसानी रहे। समझ में आया आपको? तो वचन से मतलब होता है कि वह शब्द जिसे एक या अनेक होने का हमें पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिसमें हमें किसी व्यक्ति या वस्तु का एक होने का पता चले वो एक वचन कहलाता है, और जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक का बोध हो वो क्या कहलाता है, बहुवचन। मैंने आपको उदाहरण भी बताया, इसका ही इसमें कन्वर्ट कर लिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो वचन के आगे का ही नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है आपके, वचन बदलो। अब हम वचन के टॉपिक में ही अगला हिस्सा है कि वचन बदलो। हमें क्या करना, जेंडर को चेंज करना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, और इधर हम प्लूरल से क्या बनाए, सिंगुलर। बहुवचन से एक वचन बनाएंगे और इधर हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। तो देखना ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है। लड़का का क्या बनेंगे, एक लड़का है तो बहुत सारे लड़कों के लिए क्या आएगा, लड़के। लड़के बहुत सारे लड़कों के लिए क्या आता है, लड़के। जैसे बेटा, अब इसमें हमें क्या करना है, मोस्ट ऑफ एक ही मात्रा लगानी है। तो ये सारे एक वचन के जो है वो बहुवचन में चेंज हो जाएंगे। बेटा का बेटे, कौवा का क्या हो गए, इसमें जो आ की मात्रा है ना वो ए में कन्वर्ट हो जाएगी। कौवा का कौवे, पपीता का पपीते। बिल्कुल सिंपल है ना, कुछ नहीं करना है, पीछे सिर्फ ए की मात्रा लगानी है। पुस्तक का पुस्तके, सड़क का सड़के। इसी प्रकार गाय का, बहुत सारी गायों के लिए क्या आएगा, गाय। आंख का आंखे। तो इसमें अपन ने क्या किया, जो एक वचन है उसको अपन ने बहुवचन में बदलने के लिए एक ही मात्रा लगाई, तो सब बहुवचन में बदल गए। अब ये तो हमने चेंज किया था एक वचन को बहुवचन में, अब हम चेंज करेंगे बहुवचन को एक वचन में। कई बार ऐसा आता है क्वेश्चन, एक वचन को बहुवचन में बदलो, और कई बार ऐसा आता है कि निम्न के वचन बदलो, ओनली वचन बदलो। तो एक वचन का होता है उसको अपन को बहुवचन में लिखना पड़ता है, और जो बहुवचन का होता है उसको अपने एक वचन में लिखना पड़ता है। तो हमने एक वचन से तो बहुवचन बना दिया, अब अपन बहुवचन से एक वचन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, आ की मात्रा थी तो अपन ने एक ही मात्रा बनाई, यहाँ एक की मात्रा है तो अपन क्या बनाएंगे, आ की मात्रा। तो बहुवचन में लिखा हुआ है घोड़े, तो इसका एक वचन क्या बनेगा, घोड़ा। क्या बनेगा, घोड़ा। बिल्कुल सिंपल है। चीते लिखा हुआ है तो इसका क्या बनेगा, चीता। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको आ की मात्रा लगानी है। गुब्बारे का क्या बनेगा, गुब्बारा। और बगीचे का क्या बनेगा, बगीचा। सब में अपन क्या कर रहे हैं, आ की मात्रा लगा रहे हैं। भैंसे हैं तो क्या बनेगी, इसमें अपन एक ही लिखेंगे, भैंस। नेक्स्ट है किताबें, तो किताब क्या बनेगा, किताब। अगला वर्ड है तोपे, तो क्या बनेगा, तो। और पलके का क्या बनेगा, पलक। तो इसमें अपन ने पीछे आ की मात्रा नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये वर्ड पीछे अ वाले ही हैं, लेकिन बहुवचन में ये एक ही मात्रा वाले। तो अब हम वचन के अगले पॉइंट पे आते हैं। पहले अपन ने वो जो वचन चेंज किए थे वो पुरुष से संबंधित थे, अब ये सारे नाम जो हैं वो स्त्रीलिंग से संबंधित हैं, ठीक है। तो अब हम इनका वचन चेंज करेंगे, इनका कैसे करेंगे, देखो जैसे लड़की एक है तो बहुत सारी लड़कियों के लिए क्या आएगा, लड़कियां। इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी अपन एक वचन का बहुवचन बनाते हैं ना, तो इसकी जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो तो हो जाएगी छोटी ई की मात्रा, और या लग जाएगा और या के ऊपर
चंद्रबिंदु। बस इसके दो नियम याद रखना कि तो मात्रा छोटी और या के ऊपर चंद्रबिंदु। सिंपल है। स्त्री का क्या होगा? स्त्रियां, स्त्री मात्रा कैसे बनाऊं? आगे से छोटी और या के ऊपर चंद्रबिंदु। तो स्त्री का क्या बन गया? स्त्रियां। नदी का क्या बनेगा? नदियां। नदी की मात्रा छोटी और या के ऊपर चंद्रबिंदु। टोपी का टोपिया, वही टो पे छोटी की मात्रा और या के ऊपर चंद्रबिंदु, टोपिया। घटा का घटा ए, क्या होगा? घटा ए, चंद्रबिंदु। गुड़िया का गुड़िया ही रहेगा क्योंकि इसकी मात्रा छोटी ही है। सिर्फ अपने को या के ऊपर चंद्रबिंदु बनाना है, इसमें अपन ने कुछ भी चेंज नहीं किया। अब इसमें अपन एकवचन से बहुवचन बनाएंगे। वापस वो का वो, बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में बनाना है। नारी का नारिया, या के ऊपर चंद्रबिंदु। साड़ी का साड़िया, डी के ऊपर छोटी की मात्रा और या के ऊपर चंद्रबिंदु। वापस ऐसे कैसे ही सेम, गाड़ी से गाड़िया, या के ऊपर चंद्रबिंदु। ताली से बनेगा तालिया और कला से कला, ए के ऊपर चंद्रबिंदु। और चिड़िया का वो भी चेंज नहीं होगा, जैसे गुड़िया में चेंज नहीं हुआ था वैसा का वैसा इसमें भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें भी छोटी की मात्रा है, या लगा हुआ है, सिर्फ अपने को या के ऊपर चंद्रबिंदु बनाना है। चिड़िया, या के ऊपर चंद्रबिंदु। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इस तरह हमने इस लेसन में पढ़ा कि वचन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनको कन्वर्ट, इनको चेंज, इनका रूप परिवर्तन कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसका मैं क्लास वर्क और आपको क्लिक करके सेंड कर दूंगी। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon for another updates. Thank you.